फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फिश करी की एक यूनिक रेसिपी। आप भी अगर इस रेसिपी को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 kg फिश। फिश फ्रेश होना चाहिए और इसको अच्छे से साफ करना चाहिए। हमने मिर्गल फिश का इस्तेमाल किया है। आप कोई से भी फिश को ले सकते हैं। पतले पतले साइज में कटाना है इसको। काटते समय साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा स्प्रिंग अनियन, और हमने स्प्रिंग अनियन का हरे प्याज का वाइट पार्ट को अलग सेपरेट में काटा है। हम इसको फ्राई करने में इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगा 2 से 3 टमाटर का पेस्ट ही लेना है। काट के ग्रेवी अच्छी नहीं होती है। अब हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने से पहले फिश को 2 से 3 टाइम अच्छे से धो लें, इसका स्मेल चला जाएगा। उसके साथ बाद हमने डाला इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने 1 छोटा चम्मच फिश फ्राई मसाला लिया है। इसके साथ ही नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने लिया है 1/2 मीडियम साइज के लेमन जूस, लगभग इसमें 1 चम्मच होगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें सीड नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से अगर गिर जाए तो निकाल के साइड कर दीजिए। सीड से इसका खाने में मुंह में आएगा तो टेस्ट ख़राब होता है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें लेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको आप कूट के भी ले सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे वैसे ले लीजिए। अब साफ हाथों से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें अच्छा कलर चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है आपने। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को कूट के भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके कोटिंग के लिए लेंगे हम 3 से 4 चम्मच राइस फ्लोर। राइस फ्लोर डालने का एक बेनिफिट ये है कि आप फिश को फ्राई करते हैं तो ये चटकता नहीं है और आपके ऊपर तेल की छींटें नहीं आएंगी। अगर आप इसमें बेसन का कोटिंग करते हैं तो बेसन के साथ ये बहुत ज़्यादा चटकता है, इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और इसको आपने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, बस हल्की सी कोटिंग आनी चाहिए। और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिश को धोने के बाद आपने किसी छन्नी के ऊपर 5 मिनट के लिए रख देना है, उससे सभी पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। इस तरह से फिश फ्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप ऐसे ही सॉस या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिश मैरिनेट हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक फ्राई पैन में तेल लेंगे। हमने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमने इसमें एक एक करके फिश को डाल देना है। फिश डालते समय आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और हमने ओवर फिश नहीं डालना है, उतना ही डालें जितना अच्छे से पक सके। और कम से कम फिश डालें, ज़्यादा डालेंगे तो तेल ठंडा हो जाएगा और फिश क्रिस्पी नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़, तेल ठंडा हो जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल को अब्जॉर्ब करता है फिश। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से फिश फ्राई होते हैं। और कुछ देर तक आपने इसको चलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद, लगभग 3 से 4 मिनट पकने के बाद आपने साइड चेंज कर देना है आराम से। सभी फिश को वन बाय वन चेंज कर दिया। देखिए एक साइड से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। इसको हमने 4 मिनट पका है फुल फ्लेम में। अब सेकेंड साइड को भी हम लगभग 3 मिनट तक पकाएंगे, या आप जब तक पकाएं जब तक इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। और देखिए जो बुलबुले आते हैं तेल में, ये कम हो जाते हैं। फिश फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम इसी तरह से आपने बाकी बची हुई फिश को भी फ्राई कर देना है। और निकालने के बाद किसी टिश्यू पेपर के ऊपर आप रख सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑयल आ गया है तो। वैसे ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमने एक टाइम का ये फिश फ्राई किया है, सेकेंड टाइम में भी हमने सभी फिश को फ्राई कर लिया। देखिए बहुत अच्छा कलर आता है, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। इसको आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है।
फिश फ्राई हो चुका है, अब हम इसको साइड में रखते हैं, बाकी तैयारी करते हैं ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए हमने एक गहरे तले के कढ़ाई में तेल लिया है, आप चाहे तो सेम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड तेल लिया है हमने 3 चम्मच, और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, और इसके साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना फिश करी में बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, जीरा नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट मेथी दाना ज़रूर डालें। साथ में हमने इसमें डाल दिया है हरे प्याज का वाइट पार्ट जो बारीक काट के रखा था, नहीं तो आप नॉर्मल प्याज को भी बारीक काट के डाल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, बट हरे प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च, हरी मिर्च कूट के काट के आप जैसा चाहे वैसे डाल सकते हैं, और इसको भी हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद ये भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस शुरू कर देंगे। देखिए हल्का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसालों को। मसालों में हमने सबसे पहले लिया फ्रेंड्स हल्दी, हल्दी 1 छोटा चम्मच लिया है। इसके साथ ही हमने लिया 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें फिश फ्राई मसाले का इस्तेमाल या गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पे। मिर्च हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसमें। और स्पाइसी के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर हम इसको चलाते हुए पका लिया है, ज़्यादा ना पकाए मसाले जल जाएंगे। इसके साथ ही हम लेंगे टमाटर का पेस्ट, हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट का इस्तेमाल किया है। टमाटर हाइब्रिड है, अगर लोकल है तो ज़्यादा खट्टा होगा, ध्यान रहे। और थोड़ा सा बचा हुआ मसालों में भी हमने पानी डाल के ले लिया है, इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। टमाटर और मसालों को हम थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, उबाल आने लगा है। देखिए हमने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने इसमें 1 छोटा चम्मच डाला है, अगर कम हुआ तो हम बाद में ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखा है। इसी तरह कुछ देर चलाते हुए पकाने के बाद अब हम इसको ढक के पकाएंगे। ढक के पकाते समय हमेशा आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम हमेशा लो रखना है, हाई में अक्सर मसाले जल जाते हैं। 3 से 4 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छे से पक चुके होंगे। तो देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, 4 मिनट के बाद इसको हल्का सा चला लेंगे, मसाले बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करिए, और इसमें थोड़ा सा हरा प्याज का पत्ता डालिए, स्प्रिंग अनियन का, इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर डालिए इसमें। और इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते हुए हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही खुले में चलाते हुए पकाइए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ग्रेवी को बढ़ाने के लिए पानी आप ठंडे या गर्म दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, उससे उबाल आने में टाइम लगेगा। और पानी डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, और इसमें नमक चेक किया है हमने, नमक थोड़ा कम है तो थोड़ा नमक ऐड करेंगे। और इसके साथ ही फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हमने इसमें फिश करी मसाले का इस्तेमाल किया है 1 छोटा चम्मच, अगर ये नहीं है तो आप थोड़ा सा गर्म मसाला डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम चला लेंगे, हल्का हल्का चलाने के बाद हमने इसको कवर करके 1 बॉयल आने तक वेट करना है, लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसको ढक के पका देंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, बहुत अच्छा कलर आया है। देखिए इस कलर के लिए आपने इसमें सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है, दूसरे मिर्च पाउडर से तीखा तो होता है, कलर अच्छा नहीं आता है। अब हम इसमें फ्राई की हुई फिश को ऐड कर देंगे, फिश उतना ही रखें जितना इसमें लगे आपको डालना चाहिए, ज़्यादा फिश ना डालें, ज़्यादा फिश डालने से इसके ग्रेवी को सॉक कर लेगा और ये ग्रेवी ठीक हो जाएगी। एक एक करके डाल दीजिए, इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्के हाथ से अब चलाएंगे जिससे कि अच्छे से इसमें ग्रेवी में मिक्स हो जाए, ज़्यादा ज़ोर से ना करें उससे फिश टूटने लगते हैं। अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है, देखिए थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है,
कलर भी बहुत अच्छा है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फिश करी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हमने एक बॉल में शिफ्ट कर दिया है। आप इसको राइस, रोटी, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।